हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत, लेकर आ चुका हूं आपके एसएससी एमटीएस कांस्टेबल जीडी स्टेनोग्राफर और सीजीएल एग्जाम के लिए वोकैबुलरी का सेकंड सेशन। इससे पहले वोकैबुलरी का पार्ट फर्स्ट वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद बहुत ही सिलेक्टेड वोकैबुलरी लेकर आता हूं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी जा चुकी है। एसएससी ही नहीं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको वोकैबुलरी का हर एक वीडियो फॉलो जरूर करना चाहिए। चाहे आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे, एंटोनियम सिलोनियम स्पेलिंग टेस्ट पूछे, सभी के सभी क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से बनेंगे। इससे बाहर बहुत मुश्किल है क्वेश्चन बनना एग्जाम में। तो इसलिए जब भी आप वोकैबुलरी का कोई भी सेशन देख रहे हो तो प्रॉपर एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें, प्रॉपर नोट डाउन करें, वर्ड नोट करिए, उसकी डेफिनेशन, उसका हिंदी में मीनिंग और उससे रिलेटेड सिनोनियम भी आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी वोकैबुलरी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए हर वीडियो को फोकस के साथ देखा करें। तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड के बारे में, जो कि है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है अपराधी या फिर दोषी। इसकी डेफिनेशन से समझते हैं, अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन कोर्ट, यानी कि अगर कोई भी इंसान कोर्ट के अंदर किसी क्राइम के लिए दोषी पाया जाता है तो इसी सिचुएशन को कॉन्विक्ट बोलते हैं। एग्जांपल देकर समझाता हूं, ही वॉज कॉन्विक्टेड ऑफ बैंक रॉबरी एंड सेंट टू जेल, यानी कि वो बैंक डकैती के लिए दोषी ठहराया गया और उसे जेल भेजा गया। ठीक है, तो यहां पर हमने कॉन्विक्ट का इस्तेमाल किया। सिनोनियम इसका देख लेते हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड इसके देख लेते हैं। क्रिमिनल भी इसका एक सिनोनियम हो सकता है और साथ ही कल्प्रिट, बहुत फेमस वर्ड है, ज्यादातर मूवीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कल्प्रिट, इसको हम बोलते हैं दोषी या फिर अपराधी। याद रखिएगा, कल्प्रिट कॉन्विक्ट का ही एक सिनोनियम है। क्लियर है? नेक्स्ट है, एक है हमारा एडिक्वेट। एडिक्वेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग होता है पर्याप्त या फिर इनफ। डेफिनेशन देखते हैं, इनफ फॉर व्हाट यू नीड, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो आपको चाहिए वो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, यानी कि आपको पर्याप्त मात्रा में मिल गया जितना आपको चाहिए था, जितनी आपकी डिमांड थी, यानी कि आपको 1,00,000 रुपए चाहिए थे तो आपको 1,00,000 रुपए मिल गए, तो उसी सिचुएशन को एडिक्वेट बोलते हैं, यानी कि पर्याप्त मात्रा में आपको वो चीज मिल गई। इसका सिनोनियम होता है सफिशियंट, ठीक है, पता है आपको, और एक होता है इनफ, ठीक है, ये आपके लिए इनफ है, काफी है, पर्याप्त है, समझ गए। एडिक्वेट बहुत ज्यादा पूछा जाता है सिनोनियम्स के अंदर। नेक्स्ट है एब्रोगेट, ये भी बहुत फेमस वर्ड है। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। डेफिनेशन देखिए, रिमूवल और रिवर्सल ऑफ अ लॉ, रिमूवल और रिवर्सल ऑफ अ लॉ, यानी कि अगर कोई कानून है उसको रिमूव कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, ठीक है, तो उसको एब्रोगेट बोलते हैं। मान लीजिएगा कि आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके और किसी दूसरे बिजनेसमैन के बीच में कोई डील हुई, आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गई और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को एब्रोगेट कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो इसी सिचुएशन को एब्रोगेट बोलते हैं। सिनोनियम देख लेते हैं एब्रोगेट के, एक होता है रिपेल, ठीक है, एक होता है अबोलिश, जानते होंगे, और एक होता है प्रोहिबिट, ठीक है, इसके ये सिनोनियम है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेफल। काफी सारे लोग इसको बफल बोलते हैं कि यार तू तो बफल मार रहा है, लेकिन ये बेफल होता है। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है चकरा देना या फिर चकमा देना या फिर कंफ्यूज कर देना। डेफिनेशन देखते हैं, अ फ्लैट प्लेट दैट कंट्रोल्स और डायरेक्ट द फ्लो ऑफ फ्लूड और एनर्जी। नहीं समझे, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिएगा कि आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर अपने दोस्तों को पार्टी दे रहे हो और आपके किसी दूसरे दोस्त ने आपको देख लिया, फिर अगले दिन वो बोला कि यार तू तो बहुत तेज निकला, अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा था और मुझे भूल गया, और फिर आपने बेफेल किया, यानी कि उसको चकमा दे दिया कि यार मैं पार्टी नहीं दे रहा था, वो तो एक किसी दोस्त की बर्थडे था, उसने पार्टी दे रखी थी, मैंने थोड़ा नहीं दिया, तो आपने उसको चकमा दे दिया, यानी कि झूठ बोल दिया, एक तरीके से कंफ्यूज कर दिया, तो यह इस सिचुएशन में भी बेफल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपने दोस्त से कोई कंफ्यूजिंग पहेली पूछ रहे हो या फिर पजल सोल्व करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, तो आपने उसको एक तरीके से कंफ्यूज किया, ठीक है, तो चकमा दिया पहेली के थ्रू, तो इस सिचुएशन में भी बेफल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनियम देखिए, इसका एक तो पजल ही होता है और एक होता है कंफ्यूज, समझ गए। बेफल बहुत ज्यादा फॉर्मली इसको यूज किया जाता है कि बफल मार रहा है, ठीक है, इस तरीके से कि कंफ्यूज कर रहा है, झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा
एक्यूरेट, बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप भी इस्तेमाल करते होंगे। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है शुद्ध, या फिर एकदम सही, या फिर ठीक ठीक जो बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, कंफर्मिंग एग्जैक्टली और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली टू फैक्ट और टू अ स्टैंडर्ड और परफॉर्मिंग विद टोटल एक्यूरेसी। नहीं समझे, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिएगा कि आप किसी ऑफिस के अंदर काम करते हो, आपके बॉस ने बोला कि शाम तक मुझे ये एक पूरी रिपोर्ट चाहिए, फिर आपने उस रिपोर्ट के ऊपर काम किया, शाम को आपने अपने बॉस को दिखाया, आपके बॉस ने बोला कि जैसा मैंने सोचा था एकदम इसी तरीके से तुमने रिपोर्ट बनाया, यानी कि एकदम एक्यूरेट रिपोर्ट है, एकदम सही है, एकदम ठीक है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम एक्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका सिनोनियम देखिए, एक होता है प्रिसाइज, ठीक है, दूसरा होता है करेक्ट, एकदम ठीक ठीक, एकदम सही सही। प्रिसाइज इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। समझ गए एक्यूरेट का मतलब? यार कोई भी इतने इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए नहीं ला सकता, ठीक है, जितनी मेहनत हम करते हैं इनके ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्वेंट। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है परिचित या फिर परिचय कराना। डेफिनेशन देखिए, टू मेक समबॉडी और योरसेल्फ बिकम फैमिलियर विद समथिंग। मान लीजिएगा कि आप ऑफिस में नए नए अपॉइंट हुए हो, आपका बॉस सभी एम्प्लॉय से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है, आपका परिचय करा रहा है, आपको परिचित करा रहा है सभी लोगों से, तो उसी सिचुएशन में हम एक्वेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिनोनियम देखिए, एक तो होता है इंट्रोड्यूस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है। एक होता है हमारा फैमिलियर, भी बोल सकते हैं इसको, और फैमिलियरीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। फैमिलियर का मतलब होता है आप किसी चीज को अच्छे से जानते हो, किसी इंसान को अच्छे से जानते हो, ठीक है। फैमिलियर, ही इज वेरी फैमिलियर विद मी। नेक्स्ट है एफिमिनेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज्यादातर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछा जाता है। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग तो है श्रेण, आप नहीं समझोगे, या फिर स्त्रीवत इसका हिंदी मीनिंग है, डेफिनेशन से समझ जाओगे। अ पर्सन हु इज वुमेनिश, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि वुमेनिश हो, यानी कि वुमेन महिलाओं जैसा दिखाई देता हो, ठीक है, महिलाओं जैसी थोड़ी थोड़ी आदतें हो, तो उसको बोलते हैं एफिमिनेट, ठीक है। इसके सिनोनियम देखिए, एक तो वुमेनिशी हो जाएगा, एक फेमिनिन हो जाएगा, और साथ ही एक वुमेनली हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं जैसे हरकत करने वाला एक इंसान, उसको बोलते हैं एफिमिनेट, समझ गए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई, बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप जानते होंगे। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज कर देना। चाहे आपके सॉन्ग की आवाज बढ़ानी हो, उसको एम्पलीफाई करना बोलते हैं। डेफिनेशन से समझिए, इंक्रीज इन साइज, या फिर किसी चीज का साइज बढ़ाना हो तो उसको भी एम्पलीफाई कर देंगे हम, ऐसा बोलेंगे। साथ ही वॉल्यूम या फिर सिग्निफिकेंस बढ़ाना हो तो उस चीज को एम्पलीफाई बोलते हैं, यानी कि कुछ भी बढ़ाना। इसका सिनोनियम देखिए, एक होता है हमारा मैग्नीफाई, भी इसका सिनोनियम होता है, एक होता है बूस्ट, ठीक है, बूस्ट कर देना, स्पीड को बूस्ट कर देना किसी चीज की, तो उसको भी एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। कार चल रही है, उसकी स्पीड बढ़ाना है, तो स्पीड बढ़ गई मतलब एम्पलीफाई हो गई, या फिर स्पीड बूस्ट कर देना, ये भी इसका एक सिनोनियम है। तो एम्पलीफाई बहुत बार एंटोनियम सिनोनियम की फॉर्म में पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है दुख या फिर पीड़ा, बहुत ही भयंकर दुख, आप मेंटली स्ट्रेस हो तो उसी सिचुएशन को एंग्विश बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए, एक्सट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस, यानी कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला जाता है तो जो आप मेंटली डिप्रेशन फील करोगे, ठीक है, उसी सिचुएशन को हम एंग्विश बोलते हैं, भगवान न करे ऐसा हो। सिनोनियम होते हैं इसका एक अगोनी होता है, एक होता है एक होता है, एक होता है शोरो, ये तीन इसके सिनोनियम है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है एनहिलेट, इसका हिंदी मीनिंग होता है विनाश करना, यानी कि संहार करना। डेफिनेशन, किल इन लार्ज नंबर, यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पर संहार हुआ है, विनाश हुआ है, तो उसी सिचुएशन को एनहिलेट बोलते हैं। सिनोनियम इसका डेस्ट्रो है, सिंपल सा वर्ड है, याद रहेगा। नेक्स्ट हो जाता है हमारा इमिग्रेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछा जाता है। उत्प्रवासी, इसका हिंदी मीनिंग होता है अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लाइव इन अनदर, यानी कि अगर कोई भी इंसान अपनी कंट्री को छोड़ता है, दूसरी कंट्री में जाके रहने लगता है, तो उस सिचुएशन को इमिग्रेंट या फिर उसको इमिग्रेंट बोलेंगे। इसका सिनोनियम है डिपार्चर, एक ही इसका सिनोनियम, मतलब एक ऑथेंटिक सिनोनियम मिला है डिपार्चर। नेक्स्ट है एनोए, एनोए का हिंदी मीनिंग होता है परेशान करना, ठीक है, इरिटेट करना जिसे हम बोल देते हैं।
कोज अनोयंस इन डिस्टर्ब स्पेशली बाय माइनर इरिटेशन, यानी कि जैसे कि ये बंदा इसको इरिटेट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपने काम से, तो इसी सिचुएशन को अनोय बोलते हैं। ये जो सिचुएशन है काफी अनोइंग है इसके लिए। सिनोनियम देखिए, ऑफेंड हो गया, इरिटेट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अनोय, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। व्हाई आर यू अनोइंग मी, अगर आप मुझे परेशान कर रहे हो, व्हाई आर यू अनोइंग मी, मैं ऐसा बोल दूंगा, तो कॉमन वर्ड है बहुत ही। तो ऑफेंड बोलते हैं, इरिटेट बोलते हैं, व्हाई आर यू इरिटेट मी, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है फेटल, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में पूछा जाता है। फेटल होता है घातक, ठीक है, यानी कि जो मौत का कारण बन सके, कॉजिंग डेथ, ठीक है, मौत का कारण, जैसे कि ड्रिंकिंग है, कोई अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये फेटल है, यानी कि मौत का कारण है डेफिनेटली। स्मोकिंग कर रहा है तो ये भी फेटल है, मौत का कारण है, ठीक है। कोई बहुत ही स्पीड से ड्राइविंग करता है तो ये भी फेटल है, ये भी मौत का कारण बन सकता है। तो सिनोनियम हो जाएगा इसका रुइनस और ट्रेजिक, ट्रेजिक भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी ट्रेजिक, ठीक है, डेंजर, यानी कि घातक है बहुत ही। नेक्स्ट है एंटीपैथी, एंटीपैथी इसका हिंदी मीनिंग है घृणा, ठीक है, यानी कि एक तरीके से डिसलाइक, अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, यानी कि अगर आप किसी चीज को बहुत ही बुरी तरीके से घृणा करते हो, बहुत ही बुरी तरीके से किसी चीज से नफरत करते हो, ऐसी फीलिंग निकल के आए उस चीज को देखकर या फिर किसी इंसान को देखकर, तो उसी सिचुएशन को एंटीपैथी बोलते हैं। सिनोनियम होता है इसका डिसलाइक, ठीक है, आई डोंट लाइक दिस। नेक्स्ट है एडवर्स, एडवर्स एक वर्ड है जिसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है कठिनाइयों भरा, यानी कि जो कि बहुत ही कठिन हो, जिसको करने में बहुत एफर्ट लगे, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी कि ऐसा काम जो कि पूरी कठिनाइयों से भरा हो और उसे करने में बहुत ही एफर्ट की जरूरत हो, लाइक दिस, ठीक है, एक पतली सी लड़की इतने बड़े पत्थर को पहाड़ के ऊपर खींचे जा रही है अपोजिट साइड में, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो इसे ही बोलते हैं एडवर्स। इसके सिनोनियम है डिफिकल्ट, ऑलरेडी समझ गए होंगे, एक होता है स्ट्रेनवस, ये इसके दो इंपॉर्टेंट सिनोनियम है। नेक्स्ट है अट्रोसिटी, अट्रोसिटी का हिंदी मीनिंग होता है अत्याचार, ठीक है, या फिर क्रूरता, एन एक्ट ऑफ वेरी क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ समबॉडी या फिर समथिंग, जैसे कि आप देख रहे हो, यानी कि कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है बहुत ही बुरी तरीके से, तो उसे ही बोलते हैं एट्रोसिटी। सिनोनियम है इसका वायोलेंस या फिर बार्बरिटी, वायोलेंस या फिर बार्बरिटी। नेक्स्ट है फ्यूजिटिव, काफी सारे लोग इसको फगेटिव बोलते हैं, लेकिन ये फ्यूजिटिव है, फ्यूजी टिव इसकी प्रोनाउंस होगी, जिसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग हो जाता है भगोड़ा, ठीक है, कोई भाग रहा है कानून से तो उसको भगोड़ा बोल दिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भारत का बहुत सारा पैसा लेके दूसरे देश में भाग गए हैं, तो उसको फ्यूजिटिव बोलेंगे। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, कानून से भागने वाला फ्यूजिटिव। सिनोनियम हो जाएगा इसका डेजर्टर या फिर फ्यूजेसियस, डेजर्टर फ्यूजेसियस, याद रखेगा फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा। नेक्स्ट है हाइव होता है एक हाइव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है मधुमक्खी का छत्ता, जो मधुमक्खी होती है ना, जो शहद जमा करती है, उनका जो छत्ता होता है, उनका घर होता है एक तरीके से, जिसे हम कह सकते हैं जहां पर वो शहद जमा करती है, तो उसी को बोलते हैं हाइव, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता हाइव होता है, अ प्लेस फॉर बीज, ठीक है, बी हाइव बोल देंगे उसको। नेक्स्ट है इमिग्रेंट, एक था एमिग्रेंट जो कि ई एम एम से बन रहा था, और यह है इमिग्रेंट जो कि आई से बन रहा है। एमिग्रेंट मैंने आपको क्या बताया था, एमिग्रेंट होता है कि कोई अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल होने जाता है, रहने जाता है, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट, लेकिन यहां पर आई आ रहा है, यह है इमिग्रेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब हो जाएगा हिंदी अप्रवासी। डेफिनेशन देखिए, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनादर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, यानी कि अगर कोई इंसान बाहर दूसरी कंट्री से हमारी अपनी कंट्री में आ रहा है, इस कंट्री में रहने आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इमिग्रेंट, कि ये अप्रवासी है, बाहर से इस कंट्री में रहने आ रहा है, ठीक है। सिनोनियम इसको हो जाएगा न्यू कमर, ठीक है, ये न्यू कमर है हमारे लिए, तो ऑब्वियसली बाहर से आ रहा है। नेक्स्ट है न्यू और कम, कम मतलब आ रहा है, तो कमर। इनडेलिबल, ये इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है इनडेलिबल, इनडेलिबल का मतलब होता है अमिट, अमिट, ठीक है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। सिनोनियम होगा इसका इटरनल,
लास्ट वोकैबुलरी वाले वीडियो मैंने आपको इटर्नल एक कवर कराया था वर्ड, जिसका मतलब था अनंत, यानी कि इन्फिनिटिव, जिसका अंत कभी ना हो सके। तो इसका सिनोनियम इसीलिए इटर्नल रखा गया है क्योंकि ये मिटाया नहीं जा सकता, इसका अंत नहीं हो सकता, ये ऐसा ही रहेगा जब तक कोई जिंदा रहेगा, क्योंकि ये एक टैटू है। ठीक है, तो इटर्नल इसका एक हो गया। लास्टिंग, जो लास्टिंग भी होता है, जो कि चलता रहे, कभी ना खत्म हो सके, लास्टिंग, कि ये सो कब तक लास्ट होगा, यानी कि कब तक चलेगा, इस तरीके से लास्टिंग भी इसका वर्ड होता है। नेक्स्ट है बिगाइल, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है मोहना या फिर ठगना, किसी को इन्फ्लुएंस करके अपनी बातों में उलझाकर ठग लेना या फिर किसी का मन मोह लेना, ठीक है, उसको अपने रुख में कर लेना, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं बिगाइल। डेफिनेशन देखिए, इन्फ्लुएंस बाई शिलीनेस, किसी को इन्फ्लुएंस कर लेना। सिनोनियम है इसका डिसाइव और चार्म, ठीक है, डिसाइव और चार्म। देखिए, जैसे कि आप बैठे हो, आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है, उसने आपको बोला कि देख उधर हाथी जा रहा है, और आपके पास जो पैसे है उसको मतलब ले लिया, एक तरीके से आपका आपको ठग लिया, तो इसी सिचुएशन को बेगायल बोलते हैं। ठीक है, माइंड मत करना। नेक्स्ट है लोक्वेसियस, ठीक है, लोक्वेसियस इस वर्ड को बोलते हैं, बहुत फेमस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर पूछा जाता है, इसका मतलब होता है बतूनी। डेफिनेशन देखिए, वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, यानी कि जो बहुत ज्यादा बात करता हो, जो कि लगातार बोलता रहता है, उसको बोलते हैं लोक्वेसियस। इसका एग्जैक्ट सिनोनियम होता है एक तो चैटी, ठीक है, बहुत बात करने वाला, चैटी। एक होता है टॉकेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, टॉकेटिव। तो लोक्वेसियस जो वर्ड आए, इसका एक सिनोनियम होता है टॉकेटिव, यानी कि जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, बतूनी हो बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है मोर्ग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुर्दाघर मोर्ग को बोलते हैं, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि वो जगह जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसे बोलते हैं मोर्ग, यानी कि मुर्दाघर। इसका एक सिनोनियम होता है मोर्चरी, मोर्चरी को भी मुर्दाघर ही बोला जाता है। नेक्स्ट है पेसिमिस्ट, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा रेड पेन से। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, यानी कि एक तरीके से नेगेटिव इंसान, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ थिंग, यानी कि अगर कोई इंसान कोई काम करना जाए, काम करने जाए, ठीक है, कोई काम शुरू करता है या फिर कोई किसी को बोलता है, तो हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा कि यार ये काम हम शुरू तो कर देंगे, लेकिन अगर ये डूब गया, ये डूब सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, यानी कि एकदम नेगेटिविटी माइंड में भरी हुई है, एकदम पॉजिटिव है ही नहीं, तो उस नेगेटिव माइंड को बोलते हैं पेसिमिस्ट, यानी कि उस निराशावादी इंसान को पेसिमिस्ट बोलते हैं, यानी कि जो एकदम निराशा रहते हैं, जिसके अंदर कुछ करने का उत्साह है ही नहीं। नेक्स्ट है एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, ये भी पूछ लेगा, ये होता है पॉजिटिव इंसान, यानी कि एक आशावादी इंसान, जिसको बहुत उम्मीद होती है कि हाँ ये काम करूंगा 100% इसमें सक्सेसफुल होऊंगा, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। और पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी, यानी कि एक नेगेटिव इंसान। नेक्स्ट है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का हिंदी मीनिंग है भाई पैदल सेना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया कई बार, सोल्जर हु फाइट ऑन फूट। मैंने आपको लास्ट वोकैबुलरी में बताया था कि सेना दो तरीके की होती है, एक तो जैसे पहले महाराजाओं की सेना होती थी, यानी कि घोड़े के ऊपर बैठ के युद्ध लड़ती थी, उसको कैवलरी बोलते थे, ठीक है, CAVALRY, कैवलरी, यानी कि घुड़सवार सेना, जो कि घोड़ों के ऊपर बैठकर युद्ध लड़ती है, उसको कैवलरी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी हमारी इन्फेंट्री, यानी कि जो पैदल सैनिक होते हैं ना, पैदल सेना इस तरीके से गन लेकर चल रहे हैं, उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। दोनों ही अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड है, याद रखिएगा। एक होता है बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट एक वर्ड है, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है भाई लड़ाकू। डेफिनेशन देखिए, अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव, एग्रेसिव का भी मतलब होता है एकदम गुस्सैल इंसान एक तरीके से, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, अनफ्रेंडली। बेलीग्रेंट का मतलब होता है जो लड़ाकू होता है, जैसे कि ये बच्चा है, बहुत ही लड़ाकू बच्चा है, इसकी किसी से नहीं बनती, किसी से इसकी दोस्ती नहीं है, जहां पर भी देखा वहीं पर इसने लड़ाई कर दी, तो उसको बोलते हैं बेलीग्रेंट, यार ही इज बेलीग्रेंट, यानी कि बहुत लड़ाकू है ये। सिनोनियम हो गया इसका हॉस्टाइल, और एक हो गया एंटीगोनिस्टिक, दो इसके सिनोनियम है। नेक्स्ट है हमारा ब्लिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये, तो इसका मतलब होता है छाला, अ स्मॉल पेनफुल एरिया, यानी कि एक छोटा
ऐसा हिस्सा शरीर का जहां पर बहुत दर्द हो रहा हो, ऑफ स्किन दैट लुक लाइक अ बबल, यानी कि स्किन के ऊपर हो जाता है वो एक बबल जैसा दिखाई देता है, एक बुलबुले जैसा दिखाई देता है, उसको छाला। काफी बार आप नए जूते खरीदते हो तो उसे पहन के जब चलते हो, आप कहीं शादी में जा रहे हो तो आपने देखा कि आपके पैर पे छाला पड़ गया, उसको बोलते हैं सू बाइट, यानी कि सू काट रहा था, लग रहा था, जिसकी वजह से पैर के ऊपर ब्लिस्टर पड़ जाता है। जो वो छाला पड़ जाता है ना, जो बबल बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं भाई ब्लिस्टर, याद रहेगा। सिनोनियम वाउंड एक हो जाएगा हमारा बबल, दो इसके सिनोनियम है, वाउंड हो गया, बबल हो गया, दोनों अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। बबल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले बताना पड़ेगा कि बबल कहीं का बबल, क्योंकि बबल बहुत सारी होंगे, तो इसका इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आपको सेंटेंस में ये जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कहीं का बबल किस चीज के ऊपर, अपने आप ही समझ जाएंगे कि हाँ बबल इसकी स्किन के ऊपर, ठीक है, बॉडी और स्किन के ऊपर। नेक्स्ट है ब्रिस्क, इसका मतलब होता है तेज तर्रार, चालाक, चालू, क्विक एंड एनर्जेटिक, ठीक है। सिनोनियम है इसका क्लेवर और क्विक, ठीक है, तेज और चालाक। एक है कैंटेंक्रश, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, कैंटेंक्रश, इसका मतलब होता है झगड़ालू। डेफिनेशन देखिए, बैड टेम्पर्ड, टेम्पर्ड क्या होता है, व्यवहार होता है एक तरीके का, ठीक है, बैड टेम्पर्ड एंड कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि ऐसा इंसान जो कि बहुत झगड़ालू हो, जिसका जो कि सही टेम्पर्ड का नहीं है, मतलब सही व्यवहार का इंसान नहीं है, ठीक है, जो गुस्सा काबू नहीं कर सकता, जो कि हमेशा झगड़ता रहता है, हमेशा कंप्लेन करता रहता है, उसी को बोलते हैं भाई झगड़ालू। सिनोनियम है इसका क्वेरलसम, क्वेरल किसे बोलते हैं, क्वेरल बोलते हैं झगड़े को, और इसका सिनोनियम हो गया क्वेरलसम, जो कि झगड़ालू है बहुत, कैंटेंक्रश इसका मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है कराउज, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है खान पान का आनंद मनाना या फिर दावत देना, और दावत भी ऐसी वैसी नहीं, दावत भी वोडका विस्की, यानी कि ड्रिंकिंग वाली दावत जिसमें पूरा शोर शराबा है, म्यूजिक शराब एकदम, अ नोइजी लाइवली ड्रिंकिंग पार्टी, ठीक है, यानी कि जब आपका कभी शादी होगी, ठीक है, तो एक पार्टी तो आपके घर चल रही होगी जिसमें आपके सब रिलेशन रिलेटिव होंगे, एक पार्टी आपके दोस्तों के साथ चल रही होगी जिसमें बढ़िया म्यूजिक होगा, अपना विस्की वोडका सब कुछ होता है, कुछ लोग होंगे सभी नहीं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कराउज, ठीक है, यानी कि पूरा मजा लिया जा रहा है ड्रिंकिंग वगैरह का। तो इसका सिनोनियम होगा एक फ्रोलिक और एक हो गया क्यूफ, फ्रोलिक और क्वाफ, ये इसके दो सिनोनियम है। नेक्स्ट है डेल्यूज, डेल्यूज नहीं डेल्यूज, इसका प्रोनाउंस होगा डेल्यूज, इसका मीनिंग होता है बाढ़, अ हैवी रेन, यानी कि बहुत ही जबरदस्त बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उसी सिचुएशन को डेल्यूज बोलते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह में आजकल इस्तेमाल हो रहा है। सिनोनियम हो जाएगा इसका एक फ्लड हो जाएगा और ओवरफ्लो, ठीक है, ये दो सिनोनियम है डेल्यूज, समझ गए क्या होता है बाढ़। नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है तबाही या फिर आपदा। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि अवेंजर्स, स्पाइडरमैन में इस वर्ड का इस्तेमाल होता है, कैटास्ट्रोफी, यानी कि बहुत बुरी तरीके से आपदा आ जाए या फिर तबाही मच जाए, शहर का शहर एकदम खत्म हो जाए, तो वही होता है हमारा कैटास्ट्रोफी, अ सडन डिजास्टर दैट कॉजिंग ग्रेट सफरिंग और डैमेज। कैलेमिटी और ट्रेजडी, कैलेमिटी और ट्रेजडी, देखिए ट्रेजडी इंपोर्टेंट वर्ड है, ये पूछा जाएगा जरूर, कैटास्ट्रोफी तो इसका मतलब एक ट्रेजडी भी हो जाएगा, इसका एक सिनोनियम होता है ट्रेजडी। नेक्स्ट वर्ड है क्योस, काफी सारे लोग इसको चाउस बोलते हैं लेकिन ये प्रोनाउंस होगा क्योस, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है अराजकता, यानी कि एक तरीके से शांति भंग कर देना, उसको ही क्याउस बोलते हैं, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, जो एक तरीके से बिल्कुल डिसऑर्डर, डिसिप्लिन की धज्जी उड़ा दें, तो उसको क्याउस ही बोलते हैं। सिनोनियम डिसऑर्डर और मिक्सअप, यानी कि सब कुछ एकदम मिक्सअप हो गया, कुछ भी ऑर्डर के साथ नहीं है, कुछ भी डिसिप्लिन के साथ नहीं है, तो वही क्याउस है। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल एक वर्ड होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, पेट्रोल पंप या फिर बहुत सारी जगह आपने ये लिखा हुआ देखा होगा इनफ्लेमेबल, इसका मतलब होता है ज्वलनशील, लायबल टू कैच फायर इजीली, यानी कि ऐसा पदार्थ, ऐसा कुछ भी जो कि
आग बहुत जल्दी पकड़ सके, जिसमें आग लग जाती है बहुत ही जल्दी, तो उसको इनफ्लेमेबल बोलते हैं। पेट्रोल पंप पे लिखा होता है पेट्रोल इनफ्लेमेबल है, क्योंकि वहां पर सिगरेट वगैरह पीना अलाउ नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल है बहुत ही जल्दी आग पकड़ सकता है और बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए वो इनफ्लेमेबल है। सिनोनियम हो जाएगा इसका कंबस्टेबल, कंबस्टेबल ये इंपॉर्टेंट है, इनफ्लेमेबल का सिनोनियम है कंबस्टेबल, दोनों का एक ही मतलब है। अब यार जब लास्ट वोकैबुलरी का मैंने वीडियो बनाया तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया वर्ड आपने लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी, हिंदी मीनिंग लिख दिया, सिनोनियम आपने लिख दिया, उसी के साथ साथ एंटोनियम भी तो लिखा करें ताकि हमें पता चल जाए। कभी भी एक ही साथ सिनोनियम और एंटोनियम लर्न करने की कोशिश मत करिएगा, कंफ्यूजन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, बाकी हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक ही टाइप की चीजें आपको याद करनी है, एक वर्ड हो गया, ठीक है, वर्ड का आपने एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग देख लिया, ठीक है, एक बार आपने पढ़ा, उसी के साथ साथ आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, दो बार माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसी के साथ साथ उससे रिलेटेड दो तीन वर्ड आपने कवर कर लिए जिनका मतलब सेम होता है, ठीक है, तो कितनी बार रिटेंशन पावर का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, एक ही वर्ड के ऊपर कितना बढ़िया रिपीटेशन हो गया। लेकिन आप उसका उल्टा वर्ड वहां पर इस्तेमाल करोगे तो वर्ड डिफरेंट हो गया, कंफ्यूजन ही होगा, बाकी आपके माइंड में कुछ नहीं जाएगा। अपोजिट वर्ड पढ़ने की मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। क्यों? मान लीजिएगा कि आपने इनफ्लेमेबल पढ़ लिया वर्ड, इसका मतलब पता चल गया, इसके सिनोनियम आपको पता चल गए, अब इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा इनफ्लेमेबल हो जाएगा, ठीक है, इनफ्लेमेबल इसका मतलब होता है यानी कि जो ज्वलनशील नहीं है, जो जिसमें आग नहीं लग सकती, जो जलता नहीं, इनफ्लेमेबल हो गया। तो आगे जाकर जब आप सिनोनियम पढ़ रहे होंगे ना तो आपके सामने इनफ्लेमेबल आ जाएगा, जहां पर आप पढ़ लोगे कि जो ज्वलनशील नहीं है और इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, तो इनडायरेक्टली तरीके से आपने इसका अपोजिट पढ़ लिया, ठीक है, अपोजिट कवर हो गया और अलग टाइम पर हुआ और दोनों के मतलब आप समझ गए, ठीक है। माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होने से मतलब है कंफ्यूजन मत करिएगा अपने माइंड में कि आपने यहां पर तो वर्ड के सिनोनियम पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ ली, उसका हिंदी मीनिंग पढ़ लिया और वहीं पर आप उसका अपोजिट वर्ड पढ़ रही हो, जो कि आपके माइंड में कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन, याद रखिएगा कॉन्ग्रीगेशन, इसका हिंदी मीनिंग होता है मंडली या फिर कोई असेंबली या फिर बहुत सारे लोगों का झुंड या फिर मीटिंग हो रही हो, जहां पर एन assemblies of people or animal or things collected together, यानी कि बहुत सारे इंसान एक साथ इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हुई है, बहुत सारे एनिमल भी एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो उसी इकट्ठे होने को, उसी assemblies को कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है, जिस तरीके से ये इकट्ठे हुए हैं तो ये एक कॉन्ग्रीगेशन है, मीटिंग कर रहे हैं आपस में बैठ के। सिनोनियम हो जाएगा, एक असेंबली हो गया कॉन्ग्रीगेशन है, मीटिंग हो गई वो भी कॉन्ग्रीगेशन है, पार्लियामेंट होती है बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं, वो भी कॉन्ग्रीगेशन होते हैं। पार्लियामेंट से याद आया फ्रेंड्स, पार्लियामेंट के बारे में आप जानते होंगे, संसद है भारत का, तो पार्लियामेंट जो वर्ड है ना इसका एक और मतलब होता है। पार्लियामेंट पता है किसको बोलते हैं? पार्लियामेंट जो बहुत सारे आउल होते हैं ना, उल्लू होते हैं, उनके झुंड को पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। बताइए क्या आपको इसका मतलब पता था? ये एक बहुत ही अमेजिंग वर्ड माना जाता है कि बहुत सारे नेता एक जगह बैठे हैं संसद के अंदर, उसको पार्लियामेंट बोल रहे हैं, और एक जगह जो बहुत सारे उल्लुओं का झुंड है, आउल है, झुंड है, ठीक है, उसको भी, ग्रुप ऑफ आउल को भी पार्लियामेंट बोलते हैं, तो एक यूनिक है, बताइए आपको यूनिक लगा या फिर नहीं, और इंपोर्टेंट भी यार, ऐसी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन भयाकुलता या फिर चिंता, फियर रिजल्टिंग फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ डेंजर, यानी कि कोई भी खतरा होता है ना, जब आप अचानक डर जाते हो, ठीक है, आपको भय होता है इस चीज का, तो उसी को ही कॉन्स्टर्नेशन बोलते हैं। कॉन्स्टर्नेशन सिनोनियम हो गया पैनिक, यानी कि एक तरीके से डर नहीं हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेम्पलेशन, इसका हिंदी मीनिंग होता है चिंतन करना, ठीक है, यानी कि किसी चीज के ऊपर बैठ के सोचना, बहुत देर तक शांत बैठ के उसके ऊपर माइंड में ही विचार विमर्श करना, खुद ही अ लॉन्ग एंड थॉटफुल ऑब्जर्वेशन, इसका यही मतलब हो गया। सिनोनियम है मेडिटेशन, बैठ के आप मेडिटेट कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो किसी चीज के बारे में, एक डिजाइन, ये भी इसका एक सिनोनियम होता है, ठीक है, चिंतन करना, किसी टॉपिक के ऊपर बैठ के आराम से सोचना, कॉन्टेम्पलेशन इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइट, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राइट पछतावा या फिर रिग्रेट फील करना, ashamed about something wrong that you have said or done, यानी कि जो आपने उसके ऊपर शर्मिंदा फील करना,
जो आपसे गलती हुई हो या फिर आपने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर आपने कुछ ऐसा कर दियो जिसके ऊपर आप शर्मिंदा फील कर रहे हो, तो जो आप शर्मिंदगी फील कर रहे हो ना उसको ही कॉन्ट्राइट बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनियम होता है रिग्रेटफुल, ठीक है, रिग्रेट फील कर रहे हो आप। एक हो गया रेमोरेजफुल, ये इसके दो सिनोनियम है। नेक्स्ट है डर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकाल, डर्थ का मतलब होता है अकाल, डर्थ। एन एक्यूट इनसफिशियंसी, यानी कि किसी चीज की बहुत ही बुरी तरीके से कमी पड़ जाना, किसी चीज का अकाल पड़ जाना, जैसे कि पानी की कमी पड़ जाती है, किसी किसी जगह बिल्कुल भी पानी नहीं होता और बारिश भी नहीं होती, ठीक है, जिस तरीके से ऐसा अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, सभी जमीन खत्म हो जाती है, तो उसी को ही हम बोलते हैं डर्थ। इसका एक होता है सेक्रिसिटी, एक हो गया हमारा शॉर्टेज, तो आपको पता है किस चीज की शॉर्टेज पड़ जाना, तो वही है ये। नेक्स्ट हो शायद आज का लास्ट हो डेलिबरेट, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका। डेलिबरेट का मतलब होता है विमर्श करना, किसी चीज को करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में अच्छे से विचार विमर्श करते हैं ना, तो उसी को डेलिबरेट बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखिए, डन ऑन पर्पज या फिर प्लान्ड, यानी कि कुछ भी किया गया हो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, पहले प्रॉपर प्लानिंग की गई तब उसको किया गया। जैसे कि देखिए एक लड़की बैडमिंटन शायद खेल रही है, उसने एक शॉट लगाया, फिर उसने सोचा, इसके ऊपर पूरा विचार विमर्श किया, फिर उसने दूसरा शॉट लगाया इस तरीके से कि हाँ ये बेटर है, तो प्रॉपर डेलिब्रेटली किसी काम को करना, प्रॉपर विचार विमर्श के साथ, फुल प्लानिंग के साथ किसी काम को एग्जीक्यूट करना, तो उसको डेलिब्रेट बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका एक मीनिंग होता है इंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर उसके बारे में अच्छे से सोचकर, आप जानते हो उसके बारे में, उसको समझ कर किया। एक होता है इंटेंडेड, इसका भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो डेलिब्रेट का मतलब समझ गए, विचार विमर्श प्लांट के साथ, इंटेंडेड या फिर इंटेंशनली इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वोकैबुलरी का पार्ट सेकंड। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता एसएससी एमटीएस कांस्टेबल जीडी स्टेनोग्राफर एसएससी सीजीएल टीयर 2 टीयर 3, तब तक ये वोकैबुलरी के सेशन ऐसे ही चलते रहेंगे। और कुछ ऐसा सोचा है कि सभी इंपोर्टेंट वोकैबुलरी एक ही वीडियो में कवर करा दूं, एक प्रॉपर सुपर फास्ट मैराथन लेकर आऊं। आज से 4-5 दिन के बाद ये मैराथन हम करने वाले हैं। प्रॉपर इन्फॉर्म कर दूंगा किस टाइम किस डेट पर आने वाली है और आप उसको प्रॉपर देख पाओगे, नोट बना पाओगे। आई होप फ्रेंड्स आपने ये वीडियो यहां तक देखा होगा। कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने ये वीडियो यहां तक देखा, मुझे भी तो पता चल सके कि यहाँ कितने लोग हैं या फिर हमारी टीम, हम ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, और कितने लोग सीरियस हैं प्रिपरेशन को लेकर। जरूर बताइएगा कि आपने यहां तक देखा ये वीडियो। और बाकी आज के इस वोकैबुलरी क्लास का पूरा पीडीएफ फाइल डिटेल के साथ मैं आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फटाफट वे टू सक्सेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब तक के जितने भी पीडीएफ या फिर इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही मिल जाती है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यही वाला पीडीएफ डाल दूंगा फुल इमेजेस डेफिनेशन और हिंदी मीनिंग के साथ। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर लीजिए सोनू अहलावत, क्योंकि काफी सारे इंपोर्टेंट कंटेंट वहां पर आपको प्रोवाइड करता हूं, अच्छी अच्छी बातें बताता हूं और बाकी अनाउंसमेंट भी वहां पर होती है। और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, अगर आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए यार सिलेक्शन लेना है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा, और एवरी संडे शाम 5 बजे दि करंट अफेयर शो का एक नया एपिसोड आ जाता है, इसको फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन करंट अफेयर के यहीं से बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।